मुझे कोई नहीं जानता था। उल्ला मियां गवाह है, जहाँ पंचतन का आस्थान बने ना, पहले स्टेज वहाँ बनता था। और हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे वाली साहब हमको लेके आते थे। और ये आज इनकी भी दुआएं हैं, और बाबा मखदूम का करम है कि आज हिंदुस्तान में नाम है। तब अच्छा मेरे उसका
शादी कर दिया की खिदमत करो। जरा सुनो, बाबा मखदूम को माँ की दुआओं से विलायत मिली, माँ की खिदमत की और अल्लाह खुश हुआ, अल्लाह ने माँ की दुआएं सुनी और वो 7 साल की उम्र में बाबा मखदूम को विलायत मिली। कैसे गली गली अरे गली गली में चलते तेरे अगर कदमों के नीचे जन्नत रहती है और रूखी सूखी खाके सारा कुंबा पलता है, माँ जब तक रहती है घर में बरकत होती है। माँ हमेशा रहती है बच्चों के प्यार में खोई, कहती है मेरे लाल से अच्छा नहीं कोई। एहसान कभी माँ के चुकाए नहीं जाते, एहसान कभी माँ के चुकाए नहीं जाते। वो दूर भी हो जाए तो साए नहीं जाते। वो सिकंदर बने तारा बने, वो सिकंदर बने तारा बने, मासूम बने और
माँ जिसे दिल से दुआ दे वही मखदूम बने। क्योंकि घेर लेने मुझे जब भी बलाएं आ गई, घेर लेने मुझे जब भी बलाएं आ गई, तो ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। मेरे भाई, अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप की खिदमत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये सारी इबादतें हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आपकी कबूल होगी। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, लेकिन अगर माँ की खिदमत की आपने और माँ खुश हो गई, तो माँ की दुआ एक आम इंसान को वली बना देती है। यही बाबा मखदूम है जो माँ की छोटी सी खिदमत किए और वली बन गए। मेरे भाई, आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, साए की मगर किसको जरूरत नहीं होती। ये दुनिया का खजाना मिल जाए तो क्या है, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। जहाँ होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है, जहाँ तक हो सका वो प्यार का रिश्ता निभाया है। हजारों जन्नतें कुर्बान उस मजदूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में माँ को हज कराया है। और ये चार चीजें दे रहा हूँ कि जेर है कोई कोई जबर है, जेर है कोई कोई जबर है, सबके दिलों की उसको खबर है, खबर है। और आज आज बुलंदी पे जो सर है, माँ की दुआओं का असर है। माँ ने पानी मांगा, बाबा मखदूम पानी लाने गए। अगर आज का नौजवान हो, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, है ना, है ना। अगर आज का नौजवान हो, अगर माँ पानी मांगे, एक बार तो लाएगा, दो बार लाएगा, तीसरी बार बोलेगा खुद जाके ले लो। क्योंकि आज का नौजवान बाप से बदकलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, बेटा देता है माँ को गाली, सास का एहतराम करता है। मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत पहले, क्योंकि अपने बच्चों से, अपनी औलाद से जो माँ बाप का दिल शाद ना हो, अपनी औलाद से जो माँ बाप का दिल शाद ना हो, ऐसी औलाद से बेहतर है कि औलाद ना हो, ऐसी औलाद से बेहतर हो कि औलाद ना हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके जीते जी उनके औलाद के सर पे सेहरा बने। जैसे ही सेहरा बनता है, शादी होती है, तो पहला काम ये होता है क्या कि चेहरे पे झुर्रियों की पहली बदल गई, चेहरे पे झुर्रियों की पहली बदल गई, आई बहू जो घर में हवेली बदल गई, रखता है अब भी अपनी कमाई वो हाथ पर, यह और बात है कि हथेली बदल गई। माँ बाप की खिदमत करो, ये नबी का कौल है, हमारे आका रसूल पाक का कौल है। क्योंकि माँ का साया जो उड़ गया सर से, कली जज्बात की खिलेगी नहीं। माँ का साया जो उड़ गया सर से, कली जज्बात की खिलेगी नहीं। अरे औरत दोबारा तुझे मिलेगी, माँ दोबारा तुझे मिलेगी नहीं। कोई नहीं
جو شعر میں نے پڑھا اپنی سی ڈی میں اور اللہ کا کرم ہوا کہ یہ شعر مقبول ہوا, پیش کر رہا ہوں, توجہ جاتا ہوں. پاپا مخدوم سے رات بھر وہ بھی زد پہ اڑے رہ گئے, لیکن پیالہ قدموں میں کھڑے رہ گئے. مخدوم علی کو ملائے پھر ملیں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے اور سانڈ والے کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے, اللہ تعالیٰ اس کو سانڈ والے کو بھی نوازے. آمین. السلام علیکم.